वाकया सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार का सुन लो। हुआ है कैसे बातिल और हक का मार का सुन लो। समाप्त कीजिएगा ये जंगे उहद का पहला बंद। ये तो आप जानते ही हैं कि जंगे बदर थोड़े से मुसलमानों ने किस तरह से जीत ली थी, और उस जंग में अबू जहल भी मारा गया था और कई सरदार मक्के के मारे गए थे। एक शेर दिल औरत जिसका नाम हिंदा था, उसका पिदर और पिसर दोनों ही इस जंग में मारे गए थे, लेकिन उसने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक बदला नहीं ले लूँगी हजरत अमीर हमजा से, जब तक ना तो कोई सिंगार करूंगी और जो ऐशो इशरत का सामान है कुछ भी नहीं करूंगी। तो लीजिए समाप्त कीजिएगा ये पहला बंद और गौर फरमाएं। हुई जो जंग पहली बद्र में काफिर उसे हारे, अबू जहल और कई सरदार मक्के के गए मारे। थी एक मक्के में औरत शेर दिल और कीना परवर थी, था उसका नाम हिंदा नामवर, उतबा की दुख्तर थी। अबू सुफियान की बीवी थी वो चालाक औरत थी, मोहम्मद और खुदा के नाम से उसको अदावत थी। मुसलमानों से पहली जंग को बूजहल पहुंचा था, मकामे बद्र पे जाकर निहत्तों पे किया हमला। गया वो खुद भी मारा और बहुत सरदार काम आए, न दौलत काम आई और न कुछ हथियार काम आए। वो जंगे बद्र थोड़े से मुसलमानों ने जीती थी, रसूले पाक भी थे साथ में इमदाद गैबी थी। पिसर भाई पिदर हिंदा के भी तीनों गए मारे, मुसलमानों की नफरत के भरे थे दिल में अंगारे। बिरादर बद्र में उसका अली हैदर ने मारा था, पिसर और बाप का हमजा ने धड़ से सर उतारा था। तमामी अहले मक्का सब मुसलमानों से बदसन थे, खुसूसन कमली वाले मुस्तफा के सख्त दुश्मन थे। बदी थी उनकी नीयत में वो गोया नाग काले थे, उसूल इंसानियत के सब उन्होंने तोड़ डाले थे। कसम खाई थी हिंदा ने कि अब बदला चुकाऊंगी, कलेजा और जिगर हमजा का दांतों से चबाऊंगी। न लूंगी बदला जब तक ऐश के सब कान छोड़ूंगी, न लूंगी बदला जब तक ऐश के सब कान छोड़ूंगी। उतारूंगी न गुस्ल अपना सभी सिंगार छोड़ूंगी, उतारूंगी न गुस्ल अपना सभी सिंगार छोड़ूंगी।
नफरत की ज्वाला बल पड़े सबकी जबीनों में। गई घर घर कहा अब बद्र का बदला लिया जाए, मुसलमानों का दुनिया से सफाया कर दिया जाए। किया हिंदा ने घर घर जाके चंदा हर कबीले से, हुई दौलत इकट्ठी जंगे मगलूबा के हीले से। बने हथियार आला और खरीदे ऊंट घोड़े भी, सिरा और फौद बख्तर गुर्ज दस्तानों के जोड़े भी। खरीदे चार आईने कमंदे और जंजीरें, कमाने तीर नेजे सैफ ढाले और शमशीरें। सभी के दिल में जोशे जंग था, लड़ने का अरमा था। अबू सुफियान सारी कौम में सबसे नुमाया था, वही था जुल्म का बानी, वही सरदार था सबका, वही जरदार था सब में, वही सालार था सबका। किया ये उसने वादा जंग में जो मारा जाएगा तो उसके बाल बच्चों को अबू सुफियां खिलाएगा। जो थे नादार उनके घर दिया खाने पकाने को, कहा तैयार हो अब दीन अहमदी के मिटाने को। जो मारेगा मोहम्मद को, अली को और हमजा को, तो मैं सरदार कर दूंगा उसे उसके कबीले को। अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को, अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को। भरोसा था इधर अल्लाह पर अल्लाह वालों को, से कहता है कि जो भी मोहम्मद अली और हमजा को मारेगा इस जंग में तो मैं उसको जरदार कर दूंगा। लेकिन अबू सुफियां उधर तैयार करता था रिसालों को, भरोसा था इधर अल्लाह पर अल्लाह वालों को। आगे क्या होता है सुने। रसूल पाक ने जब मक्के वालों की खबर पाई, जमात आपने सब मस्जिद नबवी में बुलवाई। कहा लोगो अबू सुफियां नए फितने उठाता है, मुसलमानों से करने जंग लश्कर लेके आता है। वो जालिम फौज लेकर फिर दोबारा जंग करने को, मदीने की तरफ आता है तुमको तंग करने को। बहुत भारी है लश्कर फौज के कट्टर रिसाले हैं, करो तैयारियां तुम भी के वो जल्द आने वाले हैं। मदीने ही में रहकर रोकना है दाखला उनका, के मजबूरी जो देखे लौट जाए काफला उनका। सरों पे उनके जिस दम गाजियों के तीर बरसेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे शहर में उसने को तरसेंगे। जवानों ने कहा हम लड़ने मरने से नहीं डरते, रहे क्यों शहर में जब जंग करने से नहीं डरते। कोई बोला नहीं है जंग करने का हुनर तुम पर, तो
बोले नौजवान पाई पता फिर बदर में क्यों कर, बहुत थोड़े थे पहले अब मुसलमान कुछ ज्यादा है, रहे वो शहर के अंदर के जिनके काम इरादा है, गरज दो राय देखी तो कहा सरकारे आली ने, तुम्हें चक्कर में डाला है तुम्हारी खाम ख्याली ने। सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो, सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो, जो अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो, पाक सबसे कहते हैं कि सब लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं और मशवरा कर लें कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग बोले कि जब हम जंगे बदर जीत चुके हैं तो फिर इस जंग के लिए हम शहर में रहकर नहीं बल्कि शहर से बाहर जाकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे। जब रसूल पाक ने दो राय देखी तो कहा कि आप लोग पहले फैसला कर लें, जो अक्सरियत का यानी जो ज़्यादा लोगों का फैसला होगा वही तस्लीम किया जाएगा। तो सुने क्या होता है। रसूल अल्लाह ये कहकर ले गए तशरीफ हुजरे में के ता सब लोग आजादी से अपना मशवरा कर लें, के उनमें कुछ मुनाफिक कुछ अभी ईमान लाए थे, अभी रन भी न देखा था न तन पर जख्म खाए थे, इसी बाइस तजर्बा कारों की हर बात रद्द कर दी, कहा बाहर लड़ेंगे हम दिखाएंगे जवां मर्दी, हुआ ये फैसला कसरत का निकले शहर से बाहर, नहीं कमजोर तो फिर क्यों रहे हम शहर के अंदर, मुदब्बिर लोग थे कम राय अक्सरियत ने जब टाली तो फिर आका ने भी मंजूर सबकी राय फरमा ली, जो पहने जंग के मलबूस और हथियार आका ने, तो रोकर बादब ये अर्ज की उस दम साहबा ने, कि ये सरकार क्यों ये जेब तन हथियार और कपड़े अभी मौजूद हैं हर जंग को खादिम ये आका के, कहा सरकार ने मंजूर है कसरत की अब अर्जी, चले अब शहर से बाहर यही है सबकी जब मर्जी, जरूरत आएगी मुझको भी लड़ने की ये लगता है, जो होना है वो होगा इसमें रोने का सबब क्या है, नबी ये पाक जाबाजों को लेकर शहर से निकले, ओहद की एक पहाड़ी के करीब पहुंचे वहीं ठहरे, लगाए अपने खेमे हे सरकार लेकिन रात भर रब की इबादत में, Thank you.
साख पर महवे इबादत है। सुनो अब हाल मक्के वालों का, मैदान में आए न सब खेमे किए, खेमों में उमदा फर्श बिछवाए, बहुत सामान था उन पर, अजीम शान लश्कर था, शराबें पी रहे थे और हुबल का नाम लब पर था, बहुत सी औरतें जज्बात भड़का ने को आई थी, मुसलमानों का कत्ले आम करवा ने को आई थी, अबू आमिर ने रातों रात कुछ खंदक भी खुदवाए, किए खशपोश खंदक ताके जो आए वो गिर जाए, हुई जिस दम सहर तो दी अजा अल्लाह वालों ने, नमाजे बाजमात की अदा रोशन ख्यालों ने, इमामत की रसूले पाक ने तात गुजारों की, बलाएं रहमतों ने ली नबी के जानिसारों की, किया सबको मुखातिब हा दिए आलम ने फरमाया, सुनो अब गौर से अब मारने मरने का वक्त आया, जिहादे फी सबीलिल्लाह से शाने मुसलमान है, जिहादे फी सबीलिल्लाह जाने दीन ईमान है, खिलाफे कायदा कोई अमल मत जंग में करना, किसी लालच में आकर फर्ज की राहों से मत हटना, पड़े कैसी ही मुश्किल जंग में लेकिन न घबराना, खुदा की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो जाना, शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को, शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को, कहते हैं कि 50 इंसान जो सामने टीला दिख रहा है उस पर चढ़ जाएं, चारों तरफ को अपनी नजर रखें और जब तक मैं ना कहूं कोई भी पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है आगे सुने, 50 इंसान जाएं सामने टीले पे चढ़ जाएं, पहाड़ी पर रहें हर सू निगाहें अपनी दौड़ाएं, कोई ऊपर चढ़े दुश्मन तो उस पर तीर बरसाना, न जब तक हम कहें नीचे पहाड़ी से नहीं आना, अबू सुफियान जब मैदान में लश्कर को ले आया, सफ़ें तैयार की और अफसरों को खूब समझाया, इधर सरकार ने सफबंदी का जब हुक्म फरमाया, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी लश्कर से निकल आया, निकाले 300 अपने जवाब बोला पैगंबर से, बड़ी नादानी है लड़ना अजीम शान लश्कर से, है दुश्मन 10 गुना ज्यादा हमें जिंदा न छोड़ेगा, कोई क्यों जान कर पत्थर से अपने सर को फोड़ेगा, लगा कहने मुसलमानों से समझो मेरे मकसद को, मेरे हमराह आओ जंग करने दो मोहम्मद को, ये फरमाया उमर ने जुर्म तेरा ला तलाफी है, तुझे जाना है जा हमको नबी का साथ काफी है, तेरे
बहकाए में मरदूद हम हर गिज न आएंगे, नबी के हुक्म पर जी जान से कुर्बान जाएंगे। नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है, नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है। गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है, आप जंगे उहद का सुन रहे हैं। जब सरकार ने ये कहा कि 50 आदमी ऊपर चढ़ जाएं और जब तक हम ना कहें नीचे ना आए, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी ये कहकर कहता है कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना हमारी हिमाकत है, हम तो लड़ नहीं सकते, जिसको मरना है वो यहाँ रुके, मैं तो जाता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात के गाजी हजरत उमर ने कहा कि या मरदूद तुझको जाना है तू चला जा, लेकिन हमें तो नबी का साथ ही काफ़ी है। हुजूर फरमाते हैं कि देखो मुनाफिक की यही पहचान होती है, ईमान से मतलब नहीं बल्कि उसको अपनी जान प्यारी होती है। उसके बाद वो मरदूद मुनाफिक अपना शाना हिलाता हुआ चल देता है, और आगे क्या होता है सुने। मुनाफिक चल दिया सुनकर हिलाता अपने शानों को, गया हम राह लेकर 300 अपने जवानों को, इधर अब 700 गाजी रहे मैदान में आका के, उधर थे 10,000 अफराद नामी फौजे आदा के, सभी को नाज था मगरूर थे वो अपनी ताकत पर, नहीं फूले समाते थे पहलवानों की कसरत पर, इधर इस्लाम का लश्कर भी कायम था करीने से, ये लश्कर क्या नमाजी आ गए थे बस मदीने से, बहुत से नौजवान और ना तजर्बा कार थे उनमें, सईफुल उम्र भी कुछ आशिके सरकार थे उनमें, नबी के हुक्म की तामील करना उनका मकसद था, डटे रहना खुदा की राह में हुक्मे मोहम्मद था, ये फरमाया नबी ने मौत से हरगिज न तुम डरना, जवां मर्दी से लड़ना पेशो कम की फिक्र मत करना, अमा मांगे जो तुमसे उसको तुम पिलनार मत करना, ज़ईफों औरतों पे बेकसों पे बार मत करना, नबी समझा रहे थे तो वो मुशरिक और बढ़ आए, अबू आमिर ने सबके साथ पत्थर खूब बरसाए, सफों में आके जब गिरने लगे फेंके हुए पत्थर, तो देखा गाजियों ने भी बस हुए शाहे पैगंबर, नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की, जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संग बारी की,
सीने पर लगा एक जोर से पत्थर, तो भागा छोड़ कर मैदान वो मरदूद चिल्ला कर। न ठहरे मक्के वाले चोट खा कर, हट गए पीछे लगा जिसके भी पत्थर नाक पर, वो गिर पड़ा नीचे। निदामत भी हुई और तैश भी आया हजीमत से, अलम्बरदार तलहा चीखता निकला जमात से। कहा कोई बहादुर हो तो मेरे सामने आए, जो मरना चाहता हो वो मकाबिल मेरे आ जाए। मैं दीन इस्लाम को अब फूलने फलने नहीं दूंगा, के अनदेखे खुदा की राह पर चलने नहीं दूंगा। ये सुनकर हो गए बेचैन हैदर, जोश में आए, रसूल अल्लाह से बोले अब इजाजत मुझको दी जाए। जवाब उनको मिला, जाओ अली तुमको इजाजत है, खुदा पर आसरा रखो उसी के हाथ नुसरत है। करीबे तलहा जब पहुँचे अली से, बोला नरमी से, बिरादर तुम नहीं वाकिफ मेरी ताकत की गर्मी से। अभी क्यों आ गए, आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले नहीं ये वक्त बेजा लंकरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं। तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, क्या तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम, नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। हजरात, इस जंगे ओहद में बहुत ही शानदार तरीके से शौक साहब ने अल्फाजों को पिरोया है। जब तलहा ये कहता है कि कोई है तो मेरे मुकाबले आए, ये सुनकर हजरत अली बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए। लेकिन तलहा कहते हैं कि अभी क्यों आ गए, आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले नहीं ये वक्त बेजा लंतरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं कि तू ईमान ले आ मुस्तफ़ा पर छोड़ देंगे हम, नहीं तू वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। लेकिन अली की ये बात सुनकर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। अली की बात सुनकर खींच ली तलवार तलहा ने, अली पर कर दिया एक बार ना हंजार तलहा ने। अली शमशीर जन थे, खा नहीं सकते थे वो धोखा, जवां मर्दी से उस तलवार को तलवार पर रोका। खिलाड़ी था बड़ा तलहा, बराबर वार करता था, खुदा का शेर भी हर वार को बेकार करता था। कज़ा में साज सा बजने लगा था झंझनाहट से, हुआ दीवाना तलहा तैश खाकर बौखलाहट से। उधर दोनों तरफ के लश्करी नजारा करते थे, इधर मैदान में
दोनों बड़ी जुरत से लड़ते थे। लड़ाई में बड़ी फुर्ती से तलहा काम लेता था, संभलने का अली को वो जरा मौका न देता था। मगर एक बार उसका वार खाली दे दिया हट कर, बड़ी फुर्ती से मारी तेग अपनी तलहा के सर पर। अली की जुल्फिकार उठी तो आंखें हो गई खीरा, किए मगफर के टुकड़े सर से लेकर ताहलक चीरा। सदा एकदम से गूंजी उस घड़ी अल्लाह अकबर से, सुना पुरजोर नारा गाजिया ने दी के लश्कर से। पैगंबर की जुबां पर कलमाए शुक्रे खुदा आया, उधर दुश्मन का लश्कर देख कर ये हाल घबराया। हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के, हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के। खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के, से हजरत अली की जुल्फिकार तोड़ देती है। ये देखकर मुखालिफ फौज में एकदम घबराहट पैदा हो जाती है, सभी के चेहरे फक हो जाते हैं, लेकिन इधर सभी अल्लाह वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा। गिरा तलहा पर है ना हो के तड़पा हो गया ठंडा, अली ने तंधका उसका उसी का डाल कर झंडा। पता पाकर अली आए तो आका को सलामी दी, नबी ने उनको सीने से लगाया शाद कामी दी। फिर उसके बाद मैदान में अबू शैबा निकल आया, बिरादर था वो तलहा का बड़े गुस्से में बल खाया। पुकारा मैं अलम बरदार हूँ कोई मकाबिल हो, शहादत मुझसे पाए और वो जन्नत में दाखिल हो। इजाजत हमजा ने चाही शहनशाहे दो आलम से, कहा ललकार दुश्मन की सही जाती नहीं हमसे। इजाजत मिल गई हमजा को तो मैं दान में पहुंचे, अबू शैबा जहां था उस जगह एक आन में पहुंचे। अबू शैबा ने हमजा से कहा तू आ गया रन में, खुशी होगी मुझे पहुंचाऊंगा मैं तुझको मदफन में। हमारे नाम वर सरदार मारे बद्र में तूने, बहाए हैं लहू के खूब धारे बद्र में तूने। किया बर्बाद घर हिंदा का अब तू बच न पाएगा, तू बूढ़ा है जवां हूं मैं मजा क्या खाक आएगा। ये कहते ही अचानक उसने नेजा तान कर मारा, उन्होंने जंगे हमजा से नहीं वाकिफ था बेचारा। चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे, चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफा के मर्द गाजी थे। बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे, बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे।
का भाई अबू शैबा कहता है तो फिर हजरत अमीर हमजा हमारे आका से इजाजत चाहते हैं। कहते हैं कि दुश्मन की ललकार या रसूल अल्लाह हमसे नहीं सुनी जाती, आप इजाजत दे दीजिए। तो अबू शैबा ने हमजा से कहा, तू आ गया रन, तूने हमारे नामवर सरदार बद्र में तो मारे ही है, हिंदा का घर बर्बाद कर दिया है और तू फिर लड़ने आ गया, आज तू हमारे हाथ से बच नहीं सकता, तू बूढ़ा है मैं जवान, क्या मजा आएगा लड़ाई का। ये कहते ही उसने अचानक एक नेजा जो तान कर मारा, लेकिन हजरत अमीर हमजा ने अपना फनून जंग दिखाया। ये कौन थे? चचा थे हमजा प्यारे मुस्तफ़ा के, मर्दे गाजी थे, बराए दीन उनके कारनामे इम्तियाजी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। जनाबे हमजा ने नेजा पकड़ कर एक दिया झटका, गिरा हाथों से नेजा तो उसे एकदम हुआ खटका, कहा हमजा ने मत घबराइए तलवार ले लीजिए, बुढ़ापे पर हमारे रहम जर्रा भर नहीं कीजिए। ये सुनकर और गुस्से में भरा जालिम अबू शैबा, निकाली म्यान से तलवार तनकर सामने आया, इधर हमजा ने भी शमशीर अपनी हाथ में तोली, अबू शैबा ने बदला पैतरा फन की गिरा खोली, अचानक कर दिया हमजा पे फिर तलवार से हमला, किया हमजा ने उसका रद नए इतवार से हमला, लिया तलवार पे तलवार को तलवार फिर मारी, रहा दस्ते मुखालिफ में फकत दस्ता थी बेजारी, अबू शैबा के मुंह पर एकदम से छा गई जर्दी, लगा कहने ताजुब है के बूढ़े में जवा मर्दी, बचा कर जा अबू शैबा ने एकदम भागना चाहा, जो दस्ता हाथ में था वो रुखे हमजा पे दे मारा, बचाया उसको भी हमजा ने मारी तेग शैबा के, तो सर के और धड़ के दो बराबर हो गए टुकड़े, ये हालत देख कर फौरन अबू सुफियान ने रुख बदला, कहा एकदम मुसलमानों पे सब मिलकर करो हमला, मोहम्मद की सिपा से लूं तो जीता जा नहीं सकता, मोहम्मद की सिपा से लूं तो जीता जा नहीं सकता, अकेले पर अकेले कोई फतह पा नहीं सकता, अमीर हमजा अबू शैबा का खात्मा तमाम कर देते हैं। तो फिर ये देखकर अबू सुफियान कहता है कि ऐसे अकेले पे अकेले कोई भी मोहम्मद की फौज पर कब्जा नहीं पा सकता, जीत नहीं सकता, बस एक ही तरकीब है कि हम सब मिलकर इन पर हमला करें। तो ये सुनकर उसकी फौज बड़ी जोश और मसर्रत से आगे बढ़ती है, लेकिन ये मुसलमानों की फौज जो थी इधर, ये किस तरह से लड़ते हैं समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर फौज मक्के की बढ़ी जोशे मसरत से, के सीने में भारी थी आग इस्लामी अदावत से, मुसलमानों ने चाहा इज्म बढ़कर हमला करने का, मगर सरकार ने रोका उन्हें करने दो तुम हमला, मगर जब 10,000 आए
पहलवा तीर बरसाते, मुसलमान फिर कहाँ तक और आखिर सब्र फरमाते। कहा सरकार दुश्मन सर पे आए क्या किया जाए, तो फरमाया रसूले पाक ने बदला लिया जाए। तो फिर अल्लाह वालों ने भी हमला कर दिया उन पर, हुई तीर अफगनी बरसात सी होने लगी सर सर। कहा सरकार ने ये फिर दोबारा टीले वालों से कि तुम होशियार रहना, दुश्मना ने दी की चालों से। किसी हालत में भी नीचे पहाड़ी से नहीं आना, पहाड़ी पर चढ़े दुश्मन को उन पर तीर बरसाना। न तुम लालच में आना भूल कर माले गनीमत के, न तुम चक्कर में पड़ जाना फतह के और हजीमत के। अबू शैबा को जिस दम मार कर वापस फिरे हमजा, तो दुश्मन दौड़ कर आगे बढ़े उनमें घिरे हमजा। मगर जो सामने आया उसे हमजा ने ललकारा, नहीं माना तो फिर पढ़ कर दिलेरी से उसे मारा। रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया, रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया, बोले शमशीर मेरी ये अदा कर दे जो हक इसका। देखकर ऐलान करते हैं कि वो मेरी तलवार ले ले जो इसके हक को अदा कर दे। ये सुनकर कौन आता है रसूल पाक के सामने? हजरते दूध जाना आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तलवार मुझको इनायत हो जाए, मैं इसका हक अदा कर दूंगा। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। हजरते दूध जाना उस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। जनाबे बूद जाना ने अदब से अर्ज की, आका इनायत सैफ हो मुझको अदा हक इसका कर दूंगा। रसूले पाक ने शमशीर दे दी बूद जाना को, कहा लो सैफ मेरी और तुम रन को रवाना हो। खुशी से बूद जाना ने नबी की तेब को चूमा, किया इकदाम उस जानिब घिरे थे जिस जगह हमजा। वहीं तक लड़ते लड़ते जा रहे थे बूद जाना भी, मुखालिफ को हटाना मारना खुद को बचाना भी। करीबे हमजा पहुंचे बूद जाना तो नजर आया के मक्तूलों की लाशों का वहां एक ढेर सा पाया। कुरैशी फौज सारी आ गई इन दोनों के ऊपर, तो जब तक गाजियाने दीन का भी आ गया लश्कर। बड़ा घमसान कारण हर तरफ तलवार चलती थी, झनाझन होती थी और बर्क सीरन में चमकती थी। कि दस्ते बूद जाना में नबी की तेग लासानी,
लगाए ढेर लाशों के थी उसकी काट तूफानी। रसूल अल्लाह की शमशीर ने मैदान कर डाला, चली जिस सिमत भी उसने बहाया खून का नाला। उमर अबू बकर और उस्मा अली हमजा सभी बढ़कर बड़ी जीदारी से लड़ते थे सब मैदान के अंदर। लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का, लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का। दहल जाता था दिल हैबत से उस मगरूर लश्कर का, आप सुन रहे हैं कि जब अल्लाह वाले नारे तकबीर की सदा बुलंद करते थे तो उस वक्त हैबत से उस मगरूर लश्कर का दिल दहल जाता था। हजरत उमर, अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हमजा सभी बड़ी दिलेरी के साथ, जीदारी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अबू सुफियान की बीवी हिंदा सारी औरतों को इकट्ठा करके ले आई और अपने लश्कर को जोश दिलाती थी। पीछे पीछे ये औरतें हैं, आगे मर्द हैं। तो इसके बाद जब गाजियों को ये देखते थे मुखालिफ फौज वाले तो इनका जिगर पानी पानी हो जाता था। क्यों? इसलिए कि हम 10,000 हैं और ये सिर्फ 700 फिर भी हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन ये कौन थे? ये गुलामान मोहम्मद थे। सुनिएगा सामीन ये बंद। अबू सुफियां की बीवी हिंदा सारी औरतें मिलकर दिलाकर जोश मर्दों को बढ़ाती लड़ने मरने पर। बड़े ही जोश में बढ़ते थे वो सब जुल्म के बानी, मगर जब गाजियों को देखते होता जिगर पानी। मुजाहिद 700 से कम थे उस मैदान के अंदर, मुखालिफ दीन के थे 10,000 अच्छे जवां अफसर। गुलामाने मोहम्मद मुत्तहिद होकर बढ़े आगे, पटा मैदान लाशों से तो दुश्मन दीन के भागे। लगे घोड़े बिदकने दुश्मनों पर कहर टूटा था, गए मारे अलम बरदार सब गर्दिश ने लूटा था। अबू बकर उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दो दख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो पड़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी के सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का। जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, फौजी रिसालों का।
लीजिए हजरत, जंगे उहद वॉल्यूम वन का ये आखिरी बंद आपकी नजर है। इसके बाद का वाकया आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे। ये दो कैसेट का सेट जंगे उहद के वाकये का है, और इससे पहले आप जंगे खैबर, जंगे बदर सुन ही चुके हैं, लिहाजा ये जंगे उहद भी अब आपकी नजर हमने कर दी है। इंशाल्लाह हमारी अगली कोशिश होगी कि आपको जंगे खंदक और फतह मक्का सुनाएं। इंतज़ार कीजिए जंगे खंदक और फतह मक्का इस कैसेट का, और जंगे उहद वॉल्यूम वन का ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। कैसे अबू बकर उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते, चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दोज़ख पा गए दुश्मन, जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी, मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था, दिखाई गाजिया ने दीन ने ऐसी जवा मर दी के सारी दुश्मनों की फौज तम में मुंतशर कर दी, जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, न ठहरा जा सका तो मक्के वाले एकदम भागे, मुजाहिद पीछे पीछे और वो मुशरिक सभी आगे, जो आ जाता था जद में कत्ल होके नीचे गिरता था, फरिश्ता मौत का उन मुशरिकों के पीछे फिरता था, न उनका कोई हामी था न उनका कोई यावर था, फकत झूठे खुदाओं का ख्याली साया सर पर था, अगर करते वो हिम्मत तो अभी तेदाद काफी थी, मगर ला तो हुबल की याद उनके काम क्या आती, बचा कर जान भागे और बड़ी मुश्किल से बच पाए, हुई ये खैर के गाजी सभी वापस चले आए, मदीने के नमाजी बन गए मैदान में गाजी, लगाया नारे तौहीद जीती जंग की बाजी, लगाया